टाइपिंग स्पीड मैन की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज सातवा लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह लेसन उन लोगों के लिए भी है जो टाइपिंग तो कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी जो है उनकी स्पीड इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, कोई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, वो भी मैं इस क्लास से जो है कुछ जो है फायदा उठा सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज बताता हूं आपको क्या करना है। आपको जो है अल्फाबेटिकल टाइप करना है कुछ इस प्रकार से। ये विथ स्पेस अल्फाबेटिकल टाइप करना है, आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कि मैं किस प्रकार से जो है अल्फाबेटिकल टाइप कर रहा हूं विथ स्पेस। आपको ऐसे ही टाइप करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि हर कैरेक्टर के अंदर एक स्पेस जरूर देना है। इस प्रकार से आप जो है 10 लाइन करेंगे, स्क्रीन की 10 लाइनों को करेंगे और इसका फॉन्ट साइज जो है आप 14 से बढ़ा के आप 20 कर सकते हैं। तो इसके फायदे क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अल्फाबेटिकल ए से जेड जो आप इस समय टाइप कर रहे हैं इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं आपको। सबसे पहले जो आपकी स्पेस जो है ना आपका जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। कई वर्डों में आप स्पेस देना भूल जाते हैं, तो यहां ये अगर इसकी आप प्रैक्टिस करते हो तो स्पेस की जो त्रुटियां होती हैं आपसे गलतियां होती हैं वो फ्यूचर में नहीं होंगी। और यहां पे आपको एक दूसरे के वर्डों पे कैसे स्पेस देना है इसकी भी आदत इससे बनेगी। और तीसरा जो है आपका इसमें एक्यूरेसी, अगर आप ए से जेड विथ स्पेस जो है टाइप करते हैं बिना गलती के प्रैक्टिस के रूप में, तो आप यहां देख रहे हैं कि एक एक्यूरेसी को भी आप मेंटेन कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपनी स्पीड में भी एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाएंगे। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इससे फायदा होने वाला है, स्पीड इंक्रीमेंट आपकी बढ़ेगी। ये जो आपकी प्रैक्टिस आप कर रहे हो इससे आपके वर्ड जो आने वाले समय है जो आपके वर्ड्स जो है इससे स्पीड में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। तो इससे चार चीजें आपको जो है बहुत बढ़िया तरीके से फायदा होने वाला है। और पांचवा तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, आपको इस वीडियो के माध्यम से खुशी होगी कि अगर आपने इस टाइटल के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसमें तीन टाइटल इस समय एट प्रेजेंट टाइम मेरी नॉलेज में है और ये जो है आप जो है आप लोग भी बना सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा अगर आप दोनों हाथों से ए से जेड विथ स्पेस टाइप करते हैं तो आप जो है सबसे तेज दुनिया में टाइपिस्ट के रूप में भी जाने जा सकते हैं। या फिर आप एक हाथ से भी ये अल्फाबेटिकल विथ स्पेस टाइप करते हैं पांचों फिंगर का प्रयोग करते हुए, या एक या दो किसी भी तरह से पांच फिंगर का प्रयोग करते हुए, तो आप इसमें भी रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। और तीसरा जो है आंखों पे पट्टी बांध के भी आप ए से जेड जो है टाइप कर सकते हैं इसी टाइटल को। तो कितना ही फायदा है देखिए, एक तो आपकी स्पीड भी इंक्रीमेंट होगी और साथ ही साथ अगर आपका जो है रिदम, आपका कंसंट्रेशन और आपका इंटरेस्ट अगर इसमें बन गया तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना सकते हो और भारत का नाम जो है विश्व स्तर पर ऊंचा कर सकते हो। मेरा जो है वीडियो का बनाने का माध्यम यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है निपुण हो सके और यहां तक कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना सके। और अगर मेरे चैनल के माध्यम से कोई इस प्रकार से जो है कोई कारनामा करता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तो ये तो रहे फायदे की चीजें। अब जो है मैं आपको जो है आज के लेसन के की तरफ जो है ले चलता हूं। तो अब जो हम लेसन की प्रैक्टिस करेंगे कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले जो है हमें जो टाइप करना है वो है QUAINT स्पेस। ये आप कैप्स लॉक्स में भी वर्डों को टाइप कर सकते हो और इस प्रकार से आप टाइप करेंगे GRUMBLE स्पेस FREQUENT स्पेस QUESTION स्पेस GRAMMARIAN स्पेस QUERY स्पेस FLAVOUR स्पेस BALDRICK स्पेस AUXIN
एल आई ए आर वाई स्पेस आई एन डी यू एस टी आर आई ए एल स्पेस के एन आई बी ई एस स्पेस क्यू यू आई ई टी एल वाई स्पेस जी आर ए डी यू ए टी ई स्पेस ए ई आर ओ पी एल ए एन ई स्पेस जेड डबल ओ एल ओ जी आई सी ए एल स्पेस टी एच यू एम बी स्पेस सी आर ई डी आई टी एस स्पेस एल ए बी ओ यू आर ई आर स्पेस के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई स्पेस ओ बी ई डी आई ई एन टी एल वाई स्पेस आई एन डी आई जी ओ स्पेस बी ओ वाई सी ओ डबल टी स्पेस क्यू यू ओ टी आई ई एन टी स्पेस एक्स वाई एल ओ जी आर ए पी एच स्पेस आर ई एस ओ एल यू टी आई ओ एन स्पेस आर ए जी आई एन जी स्पेस एच ओ आर आई जेड ई एन स्पेस जे यू डी आई सी आई ए एल स्पेस जेड डबल ओ आर जी ए पी एच वाई स्पेस टी वाई पी ई डब्ल्यू आर आई टी ई आर स्पेस सी एच ई क्यू यू ई स्पेस एम ए एक्स आई एम यू एम स्पेस ई एल ई सी टी आर आई सी स्पेस एस ई एन टी आई एम ई एन टी स्पेस एस टी ई एन ओ जी आर ए पी एच। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप जो है अपने ये मॉनिटर पे देख रहे हैं कि ये वर्ड जो दे रखे हैं इसका जो है आप जो है अभ्यास कर सकते हैं। और जब ये आपका ये पूरा जो है वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर जो मैंने पिछले वाली क्लास में भी बताया कि हर वर्ड के दो लाइन आपको करने हैं। जैसे इसके करेंगे हम क्यू यू ए आई एन टी स्पेस 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 क्यू यू ए आई एन टी स्पेस। इस प्रकार से आप जो है इसकी दो लाइन कर लेंगे और यहीं लास्ट इस तरह से आप इसकी दो लाइन इस तरह से सभी वर्डों की दो लाइन करते हुए आप स्टेनोग्राफर में पहुंचेंगे और लास्ट में जो है स्टेनोग्राफर का की जो लाइन भी जो है आपको दो लाइन इस प्रकार से मॉनिटर की स्क्रीन पे करके प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये सेशन जो है पूरी जो ये क्लास है वो आपकी पूरे एक घंटे की है। और जब अगर आप इस एक घंटे में इस वर्ड को टाइप करने के बाद दो दो वर्ड जो है हर वर्ड का टाइप कर लेते हैं और आपके पास टाइम बचता है तो आप इसी वर्ड को, ये जो वर्ड आपने देखा है इसी वर्ड को जो है आप रिपीट करेंगे सिंगल, जैसे क्वाइन ग्रम्बल फ्रिक्वेंसली, ये एक एक जो है ना आपका करेक्टर बोलते हुए इसके वर्डों को जो है ना आपको करना है दोबारा से यहां स्टेनोग्राफर तक। तो ये अगर आप एक घंटे से पहले अगर इसको कर लेते हैं, इसको पहले टाइप करने का एक एक वर्ड, फिर हर वर्ड का दो लाइन, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप इसे हर वर्ड को एक एक वर्ड को आप यहां तक दोबारा से टाइप करेंगे। तो ये जो क्लास जो है आपकी सातवीं बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी मेरे ख्याल से, और मेरे को लगता है कि अगर आप इसकी अच्छी ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है चार चीज़ें जो मैंने बताई है आपकी जो है सबसे पहले स्पेस की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, आपकी जो है इसमें आप एक्यूरेसी की जो है ना बढ़िया तरीके से हो सकती है, वर्ड में जो आपकी डिफिकल्टी बहुत सारे बच्चों की आती है उस पर आप इस पर कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड इंक्रीमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना सकते हो। मैं फ्यूचर में जो है वीडियोस भी डालूंगा कि आप किस प्रकार से किस टेक्निक्स का प्रयोग करके जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना सकते हो। तो मेरे साथ इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और इसी तरीके से आप लोग मेरा मुझे प्यार दीजिए, और मेरी वीडियोज अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब तो एक बनता ही है, और मुझे पूरी आशा है कि मुझे इंडिया के जो है लोग मुझे जो है पसंद करेंगे, मेरी वीडियो को भी पसंद करेंगे, मुझे आप ही लोगों का जो है से मुझे पूरी आशा है, मेरी कोई मदद करें ना करें लेकिन आप लोगों का इस तरह से सहयोग अगर मुझे मिलता रहा, एक एक सब्सक्राइबर भी अगर मेरे को मिलता रहा तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा जो है कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ आप मेरे इस स्किल को सीख के जो है निपुण भी बन रहे हैं। तो बस मैं इसी वीडियो के साथ और नेक्स्ट वीडियो को अच्छी वीडियो लेके आऊँगा मैं आपके सामने, मैं आशा करता हूँ। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।
नमस्कार।